जरा बताओ, अगर ये पानी की बॉटल, इसमें देख रहे हैं आप लोग कितना पानी है? इतना, हाफ से थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा कम पानी है। अगर इसमें नीचे होल हो, होल हाँ, तो क्या होगा आप बताओ? पानी, रुको, पानी रुको, गिर जाएगा, पानी गिर के गिर के कितना गिरेगा? नहीं गिरेगा। अगर यहाँ होल होगा, अगर होल होगा तो, होल होगा तो नीचे ग्लास लगाएंगे, पानी गिर जाएगा, फिर आप ग्लास लगाओगे नीचे? हाँ ओके, क्या करोगे? ग्लास, ग्लास में पानी जमा कर लेंगे। ओके ओके, लेकिन पानी इसमें से तो खाली हो जाएगा ना? हाँ, अगर होल है तो गिर जाएगा ना, अगर ग्लास नहीं लगाया तो चले जाएगा ना? यस और नो? हाँ, छोटा सा स्टार आपके लिए फॉर गिविंग आंसर। यस, अभी ये बताओ, मेरा आंसर है क्या, अगर होल करेंगे तो नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ढक्कन थोड़ा लूज करेंगे तभी पूरा पानी। चलो खोल दिए, अभी निकलेगा पानी। हाँ, अभी क्या होगा? निकलेगा, खत्म हो जाएगा। आपको भी छोटा सा स्टार मिलेगा इसके लिए, कोई अच्छी सी बात बताए। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है कि यह पानी जो है ना खाली हो जाएगा। अब जरा ये बताओ, ये छोटी सी बॉटल की जगह अगर ये बिग होता, बिग इतना बिग, और पानी भरा हुआ होता और नीचे होल होता, तो क्या होगा? ज़्यादा हो, थोड़ा थोड़ा गिरेगा पानी। नहीं नहीं, बड़ा होल कर ले तो ज़्यादा पानी, ऊपर खुला है भाई, वाटर टाइट नहीं होगा, तभी निकलेगा। ओके, ग्रेविटी के हिसाब से होता है वो। यस, अब बताओ कि ये छोटी बॉटल है, उससे बड़ा हो तो भी पानी निकलेगा, कितना निकलेगा, रहेगा पानी उसमें? नहीं, जमा होगा। अगर बहुत बड़ा ड्रम हो, ड्रम, और रात भर उसमें पानी भर रहे हैं, फुल ड्रम फुल है, लेकिन नीचे होल है, तो रात भर पानी भर के पानी जमा होगा? नहीं, पानी फुल होगा, पानी तो भरेगा ही नहीं, ओवरफ्लो होएगा ना, तो लीक होएगा। पानी कैसे भरेगा? नहीं, और पाइप लगा देना का ड्रम के अंदर, अगर ड्रम में पानी भर के नीचे होल खुला है तो कुछ जमा होगा? नहीं जमा होगा। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, पता है आपको एक ऐसा काम है, अगर वो काम करेंगे तो कोई भी नेकी जमा नहीं होगी। बुरे काम, एक ऐसा काम है शेक, हाँ, अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अकेला है ना, अल्लाह अकेला है बनाने वाला, अल्लाह अकेला है चलाने वाला, अल्लाह अकेला है मालिक, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे के अल्लाह के अलावा ये भी है मालिक, नहीं, वो भी है चलाने वाले, वो भी है जिंदगी देने वाले, वो भी है मौत देने वाले, शिर्क। अब सोचो अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं तो क्या होगा मालूम है? शिर्क। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, लइन अशरकता, ऐ नबी अगर आप शिर्क करो, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की इबादत में, अगर आप यानी कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शिर्क करो, लयहबतुन्ना अमलुक, आपकी सब निकियां जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं? देखो कयामत के दिन हम जाएंगे, एक तरफ सारी निकी होगी, दूसरी तरफ सारे गुनाह होंगे, नेकी ज्यादा होगी तो कहाँ जाएंगे? गुनाह ज्यादा होंगे तो कहाँ जाएंगे? जहन्नम। अब नेकी एक साइड पर, लेकिन ये जो नेकी है ये सब के सब नेकी, जैसे ये पानी अगर होल खुला है तो खाली हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा ड्रम हो, पानी खाली हो जाएगा अगर होल खुला है नीचे, तो ये सब के सब नेकी जाय हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, चली जाएगी, अगर हम पाए तराजू में एक गुनाह आ जाएगा जो इतना भारी गुनाह है, वो गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, हमारी बाकी नेकियां सब जाय हो जाएगी। क्योंकि देखो कैसा होता है, देखो आप बताओ, मिसाल के तौर पर अगर कोई गद्दारी करे, गद्दारी मन में गद्दारी क्या होती है? मतलब गद्दारी किसको बोलते हैं? जिसने खाना दिया, जिसने तुम्हें पानी दिया, जिसने सब कुछ दिया, उसी के साथ दूसरों को शरीक करोगे? हाँ, जिसका सब कुछ है दिया हुआ, अल्लाह ने दिया ना,
किसने दिया सब कुछ ये कि हैंड किसने बनाया? अल्लाह ने। छह क्लोथ किसने दिए? अल्लाह। अब अल्लाह के साथ औरों को शरीक करेंगे तो अल्लाह ताला ये गुनाह को माफ नहीं करेंगे। देखो बच्चों, आप सबको दो बातें याद रखना है इस चीज के बारे में। एक बात ये याद रखो, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह बिक होता है ना, बिक कोई चीज, झूठ करना, झूठ करना, चोरी करना। मुझे बताओ, चोरी करना, मुझे बताओ कौन सी चीज बड़ी है दोनों में से? ये बिग है। अब ये दो में से कौन सी चीज बड़ी है? ये। कोई चीज बिग होती है, कोई चीज स्मॉल होती है। अब ये दो में कौन सी चीज बड़ी है? ये। अब गुनाह में कोई गुनाह होता है ना, सबसे बिग गुनाह, सबसे बिग बिग वो है अल्लाह के साथ शरीक करना। शिर्क का गुनाह करे तो ये ऐसा गुनाह है, सबसे बिग गुनाह है, इतना बिग गुनाह है। हाँ, अल्लाह की इबादत ना करे, अल्लाह के साथ औरों की करे, अल्लाह के अलावा औरों की करे, किसी और की करे, जब आसमान और जमीन का एक ही मालिक है। चाहे कोई इंसान कहीं भी रहता है, इंडिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, अफ्रीका में रहता है, नॉर्थ पोल पे रहता है, साउथ पोल पे रहता है, दुनिया में कहीं भी इंसान रहता है, उसका मालिक कौन है? अल्लाह। सब इंसान को किसने बनाया? अल्लाह। अल्लाह। हर इंसान चाहे कोई भी जगह पे रहता है, कोई भी कंट्री में, कोई भी जुबान बोलता है, कोई भी कलर की स्किन है उसकी, उसका रब कौन है? अल्लाह। जब सबका रब अल्लाह है तो किसकी इबादत करनी चाहिए हमको? अल्लाह। लेकिन ये बात जो इतनी बेसिक बात है कि हम लोग खुद से नहीं बने, अल्लाह ने बनाया। यस बेटा, किसने बनाया आपके हैंड्स को? किसने बनाया? अल्लाह। किसने बनाया ये सब चीजें? अल्लाह ताला ने बनाई ना। हाँ, अब सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, लेकर सांस ले रहे हैं हम लोग, किसकी हवा है? किसकी दी हुई हवा है? और उसके बाद अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, गलत है कि नहीं? गलत है, गलत है कि नहीं? सबसे बिग सिन कौन सा है? बोलो अभी फिर से, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह है, याद रखेंगे इंशाल्लाह। ओके, और अगर ये गुनाह कर लेंगे तो कितनी भी नेकी हो क्या हो जाएगा? पानी साफ साफ हो जाएगी। कुछ भी जमा होने वाला है? नहीं। कुछ भी जमा होगा, बड़े से बड़ा ड्रम भर लो लेकिन नीचे होल खुला है तो सब खाली हो जाएगा? नहीं। कितनी भी ज्यादा नेकियां हैं, सबके सब क्या हो जाएगी? पानी वेस्ट। यस, याद रखेंगे इंशाल्लाह। यस, जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कुरान में है। सिर्फ कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, उनसे पहले जितने भी नबी अंबिया सब ने क्या बात बताया? वही बात बताया, सबका सेम मैसेज था। हाँ, सबका सेम मैसेज था, सबने अलग अलग बातें नहीं कहा, सबकी एक ही बात थी, सबका एक ही पैगाम था। याद रखिएगा, क्या मैसेज था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। यस, बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह मैसेज सब नबियों का सेम मैसेज। हाँ, ओके। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।